हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, जिसे मैंने एक डिफरेंट वे से तैयार किया है। मैंने इसमें मैरिनेटेड पनीर ऐड किया है और इस पुलाव को मैंने स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार किया है। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बासमती राइस को पानी से अच्छे से वॉश करके सोख होने के लिए रख दें। जब तक राइस सोख होंगे, हम आगे की प्रिपरेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है कर्ड। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, कस्तूरी मेथी। फिर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोस्टेड बेसन या सत्तू, ब्लैक पेपर पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर हमें इसमें ऐड करना है पनीर क्यूब्स, ड्राई मैंगो पाउडर, मस्टर्ड ऑयल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, स्मोकी फ्लेवर डालने के लिए सबसे पहले मैंने एल्युमिनियम फॉयल की कटोरी बना करके पनीर के ऊपर रख दिया है। फिर मैं इस पर जलते हुए कोयले को रखूंगी। ऊपर से हमें घी या बटर डालना है। 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे ढक करके रखना है, जिससे स्मोक पनीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। पनीर हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। अब हम एक पैन में घी लेते हैं। मैरिनेट किए हुए पनीर को हमें इसमें डालना है और 5 से 10 मिनट तक कुक करना है। पनीर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हीट को ऑफ कर देना है। मैंने एक अलग पॉट लिया है, जिसमें मैं पुलाव को कुक करूंगी। पहले मैंने लिया है घी, उसमें मैं डाल रही हूं कुछ मसालों को। सारे मसालों के नेम एंड क्वांटिटी नीचे मेंशन किए हुए हैं। जब जीरा क्रैकल होने लगे, तब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के अनियन चॉप करके डाला है। अब हमें डालना है ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक। यू कैन ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एज वेल। अनियन को कुक करने के लिए मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला। वेजिटेबल पुलाव में मैं ऐड करूंगी कुछ सब्जियां, जो कि ऑप्शनल हैं। मैंने लिया है चॉप्ड कैरेट, बॉयल्ड ग्रीन पीस एंड चॉप्ड बेल पेपर। यू कैन ऐड मोर वेजिटेबल्स लाइक मशरूम, बीन्स, कॉलीफ्लावर। मैरिनेशन में जो मसाले बचे थे, उसे मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। अनियन लाइट ब्राउन हो चुके हैं और सब्जियां भी सेमी कुक्ड हो चुकी हैं। अब टाइम है मैरिनेटेड पनीर डालने का। घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है, जिसे हम पुलाव में डालेंगे। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्मोकी फ्लेवर, द टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम। एट दिस पॉइंट हम इसमें सोक किए हुए बासमती राइस ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स एंड राइस को मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे पानी। क्योंकि हमने बासमती राइस को पहले से सोक किया हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे।
राइस को कवर करके इसे कुक होने दीजिए। पुलाव बन जाने के बाद हमें स्मोकी फ्लेवर वाले प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक करके रख दीजिए। हमारे तंदूरी पनीर पुलाव रेडी हो चुके हैं। आप इसे रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए। तो आपको मेरी ये रेसिपी तंदूरी पनीर पुलाव कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।